की बात हम कर रहे थे और एक एक्सचेंज आज जबरदस्त सुर्खियों में और वो है एम क्यों है एमसेक्स में जबरदस्त तेजी इसकी वजह बताने के लिए एमसेक्स को क्लोजली ट्रैक करने वाले और एमसीएक्स पर और होने वाले हर एक ट्रेड को ट्रैक करने वाले हमारे कमोडिटी एडिटर एडिटर मृत्युंजय जहां हमारे साथ हैं इस वक्त मृत्युंजय सबसे पहले तो

क्या क्या वजह क्या खबर सर अच्छी खबर है आग, के हाँ से खबर यह है कि लंबे समय के बाद अब नए जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर एम सी एफ शिफ्ट हो सकता है वो भी बहुत दूर की बात नहीं है अगले हफ्ते ही ये शिफ्टिंग हो सकती है ये हमें सोर्स बता रहे हैं और जो अभी मॉक ड्रिल हुई है पिछले कुछ दिनों में जो मॉक ट्रेडिंग हुई है उसमें कामयाबी रही है ट्रेडिंग में और शनिवार को भी एक मॉक ट्रेडिंग हुई थी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये ट्रेडिंग भी कामयाब रही है सक्सेस रही है तो अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि अगले हफ्ते से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एमसीएस का कामकाज शिफ्ट हो जाए छोटे मोटे रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है लेकिन उसके मिलने की संभावना भी तेज है तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि टीसीएस का होगा उस पर यह ट्रेडिंग शिफ्ट हो सकती है अब तक 63 थ्री मून्थ की टेक्नोलॉजी पर यह ट्रेडिंग हो रही है और कई बार ये एक्सटेंशन मिल चुका है एमसीएस को और ये जो सिक्सटी थ्री मून के साथ जो उनकी डील है पहली बार सितम्बर दो हज़ार में हुई थी और 2022 तक के लिए करार हुआ था लेकिन 2022 तक एम नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हो पाया लिहाजा उसके बाद कई सारे एक्सटेंशन मिले और जो आखिरी एक्सटेंशन है वो इसी साल जुलाई में मिला था कि इस दिसंबर तक के लिए मिला था लेकिन अब इस बात की उम्मीद है कि अगले हफ्ते नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एम का कामकाज शिफ्ट होने की संभावना बढ़ गई है सर ओके okay, तो इस बार उम्मीद है कि फाइनली टीसीएस के साथ जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है वो अब शुरू हो जाएगा 63 थ्री के साथ जो था प्लेटफॉर्म उससे अब TCS की तरफ जा रहा है तो ये पहली अक्टूबर से शिफ्ट होने की बात है या फिर कुछ अभी भी आ, कोई चीजें बाकी है कि या लगभग फाइनल स्टेज एक्सचेंज ने जो एक कम्युनिकेशन किया है उसमें तो उन्होंने कहा है कि सितंबर के आखिर में ही आ, हम ऑलमोस्ट रेडी हैं और हम हो जाएंगे शिफ्ट तो मॉक ट्रेडिंग वगैरह भी तो करनी पड़ती है हाँ, वो कर रहे हैं वो सक्सेस जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो इस वीकेंड पे मॉक ट्रेडिंग हुई है वो सक्सेस रही है अच्छा इस वीकेंड हो गई इसमें कोई ग्लिच नहीं आया है अच्छा। वो, वो सक्सेस रही है चूंकि लॉन्ग वीकेंड है तो एक दो को छुट्टी है तीन अक्टूबर से हम ये मान के चल सकते हैं कि संभवत ये हो जाना चाहिए हम्म बिल्कुल ठीक बात है परफेक्ट है तो ये कुछ ना कुछ चलो एक्शन बढ़िया होता हुआ दिख रहा है एमसेक्स तो के लिए ये बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है यही वजह कि एक्सचेंज आज एमसेक्स का स्टॉक बड़ी मजबूती के साथ तेज दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आएगा एक बार जरा इसके चार्ट राय ली जाए कुणाल जी से भी कुणाल जी कष्ट करें एम सेक्स के चार्ट देखने का अनिल जी देखिए अच्छा चार्ट देखने में अनिल जी कष्ट नहीं होता तो एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि जी अभी जो रीसेंट स्टॉक के हाइज हैं 2050 के लेवल से ने एक बार छुए थे तो वो लेवल्स इसमें दोबारा आते हुए आपको दिखाएंगे दे, देंगे तो 2050, 2100 तक का एक अपमूव स्टॉक में मुमकिन है तो जिनके पास पोजीशन है मेरी बने रहने की राय है मुझे लगता है कि स्टॉक दो हजार के लेवल्स दिखाएगा होल्ड करने की फिलहाल राय परफेक्ट